हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं कि अगर डोमेन आपका एक्सपायर हो जाता है तो डोमेन को रिन्यू करने का क्या प्रोसेस होता है, और अगर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह आप भूल जाते हैं तो उसके बाद आप अपने डोमेन को कैसे रिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को डोमेन बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। और डोमेन बुक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू डोमेन आप बुक कर सकते हैं, जैसे गोडैडी है, बिगरोक है, नेमचीप है, और भी काफी ज्यादा है, pointershop.net है। इन सभी वेबसाइट्स पर जाकर आप अपना डोमेन बुक कर सकते हैं। और डोमेन बुक करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, एक साइन अप करना होगा, जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है। ईमेल आईडी आजकल वेरिफिकेशन होता है, ईमेल आईडी पर एक लिंक आता है और उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपका डोमेन एक्टिव होता है, और उसी मेल पर आपको ईयरली रिन्यूअल का अलर्ट नोटिस आता रहेगा। अगर आप वह मेल आईडी चेक नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है अपने डोमेन का जो डेट होता है वह रिन्यूअल का डेट नहीं पता लग पाता और आपका डोमेन एक्सपायर हो जाता है। बट उसके बाद आप अपना डोमेन को रिन्यू कैसे करें, आप यह जरूर याद रखें कि आपने किस वेबसाइट के थ्रू अपना डोमेन बुक किया है, और उस वेबसाइट पर जाकर आप एक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके डोमेन पूछ सकते हैं कि यह डोमेन किस ईमेल आईडी या किस मोबाइल नंबर के थ्रू बुक है। वह उस पर एक ओटीपी या एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड करते हैं और आप यह अपने मोबाइल पर या अपनी मेल पर चेक कर सकते हैं कि किस मेल पर आपको वह लिंक आया है। आप उसी मेल के थ्रू अपना डोमेन रिन्यू कर सकते हैं। और डोमेन अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो उसके कितने दिनों बाद तक आप डोमेन विदाउट पेनल्टी के रिन्यू कर सकते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। सिर्फ 30 दिन के अंदर अगर आप अपना डोमेन रिन्यू करना चाहते हैं, वह भी बिना किसी लेट फी के, तो आपका डोमेन रिन्यू हो जाएगा। अगर 30 से 60 दिन के अंदर आप अपना डोमेन रिन्यू करते हैं तो एक पेनल्टी के साथ आपको एक एडिशनल फी पे करनी होगी, और वो हो सकता है कि आपके डोमेन की जो रेगुलर कॉस्ट हो उससे 10 times हो या ज्यादा हो, यह डिपेंड करता है रजिस्ट्री के ऊपर और जो आपका डोमेन है उसके एक्सटेंशन के ऊपर कि डोमेन किस रजिस्ट्री से बुक है और किस एक्सटेंशन के थ्रू बुक हुआ है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 60 दिन के बाद डोमेन को रिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप डोमेन रिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोमेन से आपका एक्सेस रिमूव हो चुका होता है और वह डोमेन फिर से अवेलेबल हो सकता है, आप फिर से उस डोमेन को बुक कर सकते हैं। या फिर जो ट्रेडर्स या फिर जो आईटी कंपनीज होती है जो डोमेन सेलिंग में डील करती है, वह उस डोमेन को बुक कर सकते हैं, और उस डोमेन का कितना अच्छा रैंक है यह सब एक वेबसाइट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, और वह वेबसाइट है expireddomain.net। expireddomain.net के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का यह पता लगा सकते हैं कि डोमेन के DAPA, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बैकलिंक और उस वेबसाइट के ऊपर, उस यूआरएल के ऊपर कितना ट्रैफिक है। आइए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि कोई भी एक्सपायर डोमेन लेने से आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं और उस डोमेन की कितनी पब्लिसिटी ऑलरेडी हो चुकी है। डोमेन के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने और उन्हें मिटाने के कुछ रूल्स दिए गए हैं कि 1 to 30 days के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बाद 31 to 60 days तक क्या क्या है, और 61 दिन के बाद फिर आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं, यह सब यहाँ पर दिया हुआ है। एक न्यू टैब में मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन आप गूगल में सर्च करें, सबसे पहले एक वेबसाइट आई है expireddomain.net। expireddomain.net पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर टोटल डोमेन दिए हुए हैं 55 crore, लगभग 55 crore डोमेन यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक्सपायर्ड डोमेन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, ये एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट आपके सामने आ गई, उसका BLDP ABY ACR डोमेन, और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कि एंड डेट कब है। उसके बाद डिलीटेड डोमेन्स पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये सब डोमेन डिलीट हो चुके हैं और इनके सामने इनका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल आ रहा है। आप किसी भी डोमेन को अगर फिर से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं एक डोमेन यहाँ पर देख लेता हूँ कि यह
यह अवेलेबल है और इसका यहाँ पर आप रेगुलर प्राइस पर अवेलेबल है और इसको आप देख सकते हैं कि अभी इसके वैसे पेजो 30 या फिर DAPA इतने ज्यादा हाई नहीं थे। कुछ और डोमेन भी आप देख सकते हैं जिसकी पब्लिसिटी काफी ज्यादा हो। एक्सपायर डोमेन के बाद डिलीटेड डोमेन्स और डोमेन लिस्ट में आप क्लिक करके इन सब वेबसाइट पर डोमेन की ऑप्शन होती है, जैसे गोडैडी है, सेडो है, DAN है, नेमचीप है, डोमेन एंड SEO है, डोमेन मार्केट डोमेन्स, ये सब वेबसाइट पर डोमेन की ट्रेडिंग होती है। और एक्सपायर्ड डोमेन .net के थ्रू आप कोई भी फेमस डोमेन परचेज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पे किए। आप अगर एक अच्छा डोमेन, अच्छे DAPA या फिर बैकलिंक वाला डोमेन परचेज करना चाहते हैं जिस पर आप एडसेंस लगाकर अपना पैसा कमाना चाहते हो, तो यह वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो फेमस डोमेन होते हैं या जिनकी पब्लिसिटी पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, वह सब डोमेन यहाँ पर दिख जाएंगे। और अगर आपका डोमेन एक्सपायर हो गया है और आप रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, उसके बाद आप अपना डोमेन खुद से रिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।